वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज मैं हैदराबाद एयरपोर्ट में लाउंज एक्सेस करने वाला हूँ। दिस इज द लाउंज, यू हैव टू गो दिस वे, इधर से ही जाना है। चलिए, फ्लाइट इज एट 1:50 राइट नाउ, टाइम इज 12:30। एक घंटा टाइम है, लाउंज में आराम से 40 मिनट बिता सकते हूँ। डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस करने के लिए आपके पास ऐसे डेबिट क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है, जिस कार्ड में आपको ये फैसिलिटी मिलती हो। हैदराबाद एयरपोर्ट का लाउंज के लिए आपको इतना दूर चल के आना पड़ेगा। जैसे जनरली सिक्योरिटी क्लियर करने के तुरंत बाद ही आपको लाउंज मिल जाते हैं। यहाँ तक आने के लिए आपको 10 से 15 मिनट टाइम लग सकता है। चलिए चेक करते हैं कार्ड देके कौन से कार्ड में एक्सेस मिल जाएगी। लाउंज के अंदर जाने के लिए एंट्री, ये मैं आ गया हूँ। यहाँ आगे आपको योगा रूम, प्रेयर रूम भी मिलता है। ये है लाउंज वाले फ्लोर, यहाँ पे लगे हैं मशीन्स। आप चाहे तो अपने कार्ड को स्वाप करके यहाँ चेक कर सकते हैं। दिस इज़ द लाउंज दोस्तों, इनकम का लाउंज यहाँ लिखा है, देखिए। चलिए अंदर चलते हैं, कार्ड स्वाप करके ट्राई करते हैं। यहाँ लोग लगे हैं, यहाँ इनके स्टाफ भी हैं आपको मदद करने के लिए। ये अपने कार्ड मैंने दे दिया, जैसे कि देखिए यहाँ 2 रुपीज़ का डिडक्शन हुआ है लाउंज एंट्री के लिए। सारे फैसिलिटीज ओनली एट 2 रुपीज़ एट एयरपोर्ट। अभी लंच का टाइम है, बूफे लगा हुआ है, हल्का फुल्का भीड़ है यहाँ पे। क्यू में मैं खड़ा हो गया हूँ, लेट लेता हूँ, देखते हैं आज क्या कुछ है यहाँ खाने के लिए। बैग भी रख लिया हूँ एक चेयर पे। वेज नॉन वेज दोनों आपको यहाँ खाने को ऑप्शन मिलते हैं। नॉन वेज में चिकन, मटन, फिश भी रहता है। वेज में आपको पनीर और एक मिक्स वेज सब्जी, लंच की बात कर रहा हूँ, ये सब मिल जाता है। डिज़र्ट में मॉफिन, 2-3 वैरायटी के केक। बेवरेजेस में आपको टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स अवेलेबल है। आप चाहे तो 0 कैलोरी कोल्ड ड्रिंक भी पूछ सकते हैं। चलिए बिना देरी करते हुए पेट पूजा करते हैं। आज मैं वेज ले रहा हूँ और फिर निकलते हैं। देखिए क्या कुछ वैरायटी है यहाँ पे। मैंने आज ब्रेड लिया है, यहाँ दाल है, पनीर है, पराठा, चावल और ये केक लिया हूँ। डेजर्ट में बहुत सारे ऑप्शन हैं और सलाद थोड़ा लिया है। आपको चिकन, मटन यहाँ पे भी मिल जाता है, टेस्ट भी बहुत बढ़िया है। ओनली 2 रुपीज़ में आपको इतना सारा खाना कौन देता है, वो भी एयरपोर्ट में, बताइए। बस आपको ऐसे कार्ड चूज करना है जिस कार्ड में आपको एयरपोर्ट लाउंज का एक्सेस मिल जाती हो। फिर आपकी अगर कनेक्टिंग फ्लाइट है और फ्लाइट पकड़ने में देरी है, आप ऐसे लाउंज एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ अनलिमिटेड फूड के साथ एक गुड एम्बियंस भी आपको मिल जाती है। आप यहाँ बैठ के फ्री वाईफाई का मदद से अपना काम भी कर सकते हैं। इट्स क्वाइट ए नाइस प्लेस टू बी एट द एयरपोर्ट। यहाँ लगे मशीन से टी, कॉफ़ी, मिल्क, यहाँ से आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी ले सकते हैं। चलिए हो गया है मेरा खाना, कॉफ़ी वगैरह पीजिए, निकलता हूँ। Thank you.
पराठा ट्राई करने के लिए मैं यहाँ बने चाट के स्टॉल से ये लिया। तो ये था, ज़्यादा खाने का मन नहीं था, तो ये चाट के स्टॉल में भीड़ कम था। यहाँ पे एक लिकर का काउंटर है जहाँ आपको व्हिस्की, बियर, वाइन वगैरह मिल जाते हैं। उसके लिए आपको अलग से चार्ज देना पड़ता है। ये काउंटर है, आप यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले सकते हैं, जीरो कैलोरी कोक आप ले सकते हैं, वो आपको यहाँ ओपन करके देते हैं ताकि आप इसको यहाँ कंज्यूम कर सकें। बाहर कैरी करके जाना अलाउड नहीं है, बाहर का फूड भी अंदर अलाउड नहीं है। दोस्तों ये था हैदराबाद एयरपोर्ट में बने लाउंज और इसके फैसिलिटीज़। बाहर से देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कांच के ग्लासेस हैं। अभी चलिए चलता हूँ मेरा गेट पर जहाँ बोर्डिंग अभी स्टार्ट होने के लिए 10 मिनट बाकी है। क्या आप जानते हैं हैदराबाद एयरपोर्ट को किस और नाम से जाना जाता है? जरूर कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताइए। आई होप आप सभी को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आपको काफी कुछ जानने को और देखने को भी मिला होगा हैदराबाद एयरपोर्ट के अंदर। एयरपोर्ट में बना हुआ एक नया रेस्टोरेंट, नाम है आयरिस हाउस। खाने पीने के लिए हैदराबाद एयरपोर्ट में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे फ्लेवर ऑफ हैदराबाद, पास में है बीकानेर वाला। ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए जरूर मेरे चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस ब्लॉग को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों फिर मिलता हूँ और एक ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल।